ये कुछ हालत है मेरे एथनिक वार्डरोब की और इसे ऑर्गेनाइज करना मेरा टास्क है बिफोर दिवाली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओटीटी वुमनिया। और आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ मेरी साड़ी की कलेक्शन, जो भी ब्राइडल साड़ी मुझे मिली है वो, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं मैंने इसकी शुरुआत कैसे करी। मैं अभी चढ़ गई हूँ स्टूल के ऊपर और ऊपर वाले सेक्शन में मैंने कुछ अपनी बहुत पुरानी चीजें रखी हुई है इस तरह से बैग में। ये सारी मेरी वेडिंग साड़ीज हैं। 12 बजे के बाद ही इस तरफ धूप आती है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है इन सबको फैलाने का अगर धूप नहीं है। साड़ियों में थोड़ा सा धूप लगाना अच्छा होता है, और रेगुलर ड्राई क्लीन करना भी अच्छी बात नहीं होती है, साड़ी डैमेज हो जाती है। तो इनको साल में एक बार एटलीस्ट आपको निकाल के रीफोल्ड करना चाहिए। ऊपर का सेक्शन क्लीन करके रख दिया है। मेक श्योर कि आप नैप्थलीन बॉल्स पहले से मंगा के रखे, वो मैंने थोड़ी देर खोल के रखा है। सॉरी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डस्ट है और मेरी काफी सारी मेमोरीज इन सब साड़ियों से जुड़ी हुई है। कुछ मेरी मॉम की तरफ के घर की साड़ीज हैं और कुछ अक्षय की तरफ के घर की साड़ीज हैं। इन सबको मैंने 3-4 साल हो गए खोला भी नहीं है। कुछ साड़ीज को आप अभी नहीं पहन सकते क्योंकि वो बहुत ही आउटडेटेड सी हो गई हैं। सो इन साड़ीज को शायद मैं कुछ रीपर्पस करूं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को फेंकना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। और कुछ साड़ीज तो ऐसी है जिन्हें मैंने पहना ही नहीं है, एक बार भी नहीं पहना है। सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी। मुझे याद नहीं है ये मुझे किसने दी थी। ये शादी में मुझे किसी ने दी थी और मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं इसका कुछ बनवाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत हैवी है और अभी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी ट्रेंड में नहीं है। और साड़ी है जो मुझे अक्षय की तरफ से मिली थी। सारी साड़ीज मेरी अपनी पसंद की ही है और अक्षय ने सारी साड़ीज मुझे चूज करवाई थी। ये भी एक साड़ी है जो हाफ नेटेड साड़ी है, ये पीसी ज्वेलर से हमने ली थी। बहुत प्यारी साड़ी है ये। मैंने सोचा क्यों ना इस नेट का एक केप बना लिया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। जो ट्रेडिशनल साड़ी फेरों के टाइम पे पहनी जाती है, ये साड़ी उनकी तरफ से आई थी मुझे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फेरों का हमारा जो टाइम था वो बहुत लेट था, लाइक 1-1.5 बजे शायद हमारे फेरे शुरू हुए थे। ये उनमें से एक साड़ी थी, लेकिन हम चेंज नहीं कर पाए। उस टाइम पे कोई भी था नहीं, सिर्फ फैमिली के कुछ मेम्बर्स थे। सब साड़ियों को उल्टा कर रही हूँ और इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं धूप दे रही हूँ। जरूरी इसलिए है कि इनका जो फोल्ड होता है वो खोल के आपको दोबारा रीफोल्ड करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि धूप आ ही नहीं रही है, बार बार धूप आ रही है और जा रही है। सो ढंग से धूप लग नहीं रही है। पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया, सिर्फ बारिश ही हो रही है यहाँ पे। मेरे जितने भी ब्लाउजेज हैं मैंने बनवाए थे शादी के टाइम पे, वो सारे पैडेड हैं, लेकिन अब वो मुझ पर फिट नहीं आते। सी दिस लॉर्ड्स ऑफ ब्लाउज, मैं इन सबको ट्राई करके डिस्कार्ड करूंगी कि जो जो मुझे नहीं पहनना और मुझे पता है कि मेरे में नहीं आने वाला, तो मैं ये किसी को दे दूंगी या तो इनका कुछ और बनाने का प्लान करूंगी, क्योंकि ये सब इस तरह से रख के वेस्ट हो जाएंगे। और काफी ट्रेंडी ब्लाउजेस मैंने बनवाए थे, ये तो शादी के बाद मैंने बनवाया था। आई एम थिंकिंग कि इसमें से पैड्स निकलवा दूं, क्योंकि ये जो पैड्स डले हुए हैं इसमें बहुत ही स्टिफ और हैवी पैड्स हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते देखने में। मैं हर स्पेस का यूटिलाइजेशन करना चाहती हूँ। धूप कुछ ऊपर आ रही है और कुछ धूप फ्लोर या जमीन पे आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउजेस मैं नीचे बिखेर देती हूँ, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 2:30-3 बजे तक शायद यहाँ से धूप चली जाएगी, तो मैं उतने टाइम पे ये सारी चीजें धूप में डालना चाह रही थी। इसमें भी मेरी कुछ साड़ीज हैं, सो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक तरह की साड़ीज एक ही बैग में रखूँ, सो दैट कि इट्स इजी टू आइडेंटिफाई कि मैंने कौन से बैग में क्या रखा है। इन सारे बैग्स को मैंने खरीदा था अमेजोन से बहुत साल पहले, लाइक आफ्टर आई गॉट मैरिड और मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी, तब मैंने खरीदा था। इसका कलर बहुत सटल है, एम्ब्रॉयडरी बहुत सटल है। ये भी मेरी चॉइस की है, लेकिन ये अक्षय की तरफ से थी। पीसी ज्वेलर्स है, उनके ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पे वो कपड़े भी बेचते थे। सो 4-5 साड़ी मैं वहाँ से लाई थी। ये वाला रिंग भी मैं पीसी ज्वेलर्स करोल बाग से लाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये। प्योर जॉर्जेट के ऊपर इस तरह का कटवर्क सीक्वन बना हुआ है, बहुत प्यारी साड़ी है। लाइक देख के ऐसा लग रहा है कि काश
मुझे लोग इतने इनवाइट करते कि मैं इन उन जगहों पे जाके ये सारी साड़ीज मैं पहन पाती। तो ये सारे पेटीकोट्स उस टाइम के हैं जब मैं काफी पतली हुआ करती थी, काफी तो नहीं एक साइज पतली हुआ करती थी। और कभी भी साटन के पेटीकोट्स मत बनवाना, साड़ी स्लिप हो जाती है। मैंने उस टाइम पे सोच सोच के तो साटन के पेटीकोट्स बनवा लिए थे, क्योंकि नेटेड जो आपकी साड़ी होती है उसके साथ साटिन के ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई अलग ऑप्शन भी चूज करना चाहिए। उस टाइम पे नेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और मेरे पास काफ़ी सारी नेटेड साड़ीज है। ये तो मुझे बाद में अक्षय के काका ने गिफ्ट करी थी साड़ी हमारी सेकंड एनिवर्सरी में, मुझे याद है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी उस टाइम पे ये साड़ी उन्होंने गिफ्ट करी थी मुझे, एंड थैंक्स टू देम। शायद वो वीडियो नहीं देखेंगे मुझे पता है, बट स्टिल आई फील वो बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनके दो बच्चे हैं। और ये वाली साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये मैं चांदनी चौक से लाई थी, ये मेरे फादर के ट्रूज़ों में आई थी, ये भी मैंने खुद ही सिलेक्ट करी थी। चांदनी चौक की शॉपिंग की एक बात ज़रूर है, आपको 2-3 दिन अच्छे से एक्सप्लोर करना है, जगह और शॉप्स जाना है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना है। क्योंकि आजकल सुना है चांदनी चौक में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है, वो दिखाते कुछ हैं और जब आपके पास वो सामान आता है वो बिल्कुल ही कुछ और चीज़ होती है। तो मेक श्योर आप जब चांदनी चौक वेडिंग शॉपिंग करने जाएँ तो उनकी प्रॉपर फ़ोटोज़ लेके आएँ कि क्या एक्चुअली में आपने ट्राई किया था, और जब प्रोडक्ट पिक करने जाएँ तो उसको खोल के देखें। वो हमेशा मना करेंगे आपको कि ये पैकिंग है मैडम, खोलो मत, ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर शॉप में जब फाइनल पेमेंट करने जाओ तो उसको खोल के देख के आओ। और जब भी आप ऑर्डर करो तो पूरी पेमेंट कभी मत करना, 50% पेमेंट करना। एम्ब्रॉयडरी सस्ती कर देंगे या चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर देंगे। ये मेरी फेवरेट साड़ी है, आई थिंक इस तरह का जो डिज़ाइन होता है ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। ये जॉर्जेट के ऊपर सिल्वर का वर्क है, ये काफ़ी बहुत लाइट और इंट्रिकेट वर्क है, इसमें कटदाना का वर्क भी है थोड़े से, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कलर इतना ज़्यादा सटल है कि आप किसी भी टाइम इसे पहन सकते हो, आउटडेटेड फील नहीं होगा आपको। दूसरी है ये वाली साड़ी, मतलब जॉर्जेट और नेट ही साड़ीज़ है मेरे पास, ना ही मेरे पास क्लासिक कोई साड़ी है, ना बनारसी है, ना कोई साउथ इंडियन सिल्क है। सिर्फ कॉटन की कुछ साड़ीज़ थी जो मैंने मेरी मदर को वापस कर दी, क्योंकि मैं पहन ही नहीं रही थी उन्हें और वो वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने 1-2 साल बाद उन्हें वापस कर दिया एक एक बार वो साड़ी पहन के, कि मम्मी इसे घर पे पहन लो, वेस्ट मत करो। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। मेरी मम्मी के जो ब्राइडल साड़ी थी वो इस कलर की थी। इसका भी जो सीक्वन वर्क है ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, ये भी मैंने पीसी ज्वेलर से लिया था, एंड आई एम जस्ट लविंग कि घंटों घंटों हम शॉपिंग करते थे करोल बाग की मार्केट में, और शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती थी। कुछ भी आप लिस्ट बना लो, कितना कैलकुलेट कर लो, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। सो ये मेरी आखिरी जो बैग था मेरे साड़ी के ट्रूजोस का, ये ख़त्म होता है। तो सारी साड़ीज़ को धूप लगाने के बाद उनको अच्छे से फोल्ड किया मैंने, और साड़ीज़ को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है मैंने। और ये वाली जो साड़ीज़ है इनका मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इनका रीपर्पस नहीं करूँगी, और ये कुछ साड़ीज़ है जिनका मैं रीपर्पस करना चाहूँगी। ये सारी साड़ीज़ मेरे ब्राइडल ट्रूज़ों में मिला है। अब इन साड़ीज़ को धूप लग गया है, वो ऊपर वाला जो सेक्शन है मैंने उसे क्लीन कर दिया है। इस काम की जब भी आप शुरुआत करें, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सबकी एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सारी साड़ीज़ को निकाल के जिस तरह से मैंने ये सब किया है, उस काम को शुरुआत की थी मैंने 12 बजे और अभी अराउंड 3 बज रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सेक्शन ऑफ वार्डरोब ही पूरा हुआ है, अभी जो दूसरा सेक्शन है वो पूरा रहता है। तो मतलब एक दिन में तो ये काम फिनिश होने वाला नहीं। ये कुछ और साड़ीज़ हैं जो मेरे ओकेजनल वेयर्स आती हैं, शुरुआत में मैं दिखाना भूल गई, और ये साड़ीज़ कुछ हल्की साड़ीज़ हैं, इनके साथ भी मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन अब ट्रेंड में नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही क्लासिक पीसेज ऑफ साड़ीज़ हैं जिनके साथ आप छेड़खानी ना करो तो ही बेटर है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ीज़ अगेन। जितनी भी चीज़ें मैंने ली है, पता नहीं क्या लक था मेरा या मैंने
बहुत ज्यादा सोच समझ के या मेरा फैशन सेंस शुरू से अच्छा है। ये भी साड़ी ऐसी क्लासिक पीसेज है, बेसिक जॉर्जेट साड़ी है जिसमें बहुत ही सुंदर इस तरह से थ्रेड वर्क किया हुआ है सिल्वर कलर का, और ये ब्लू कलर के बीच में एम्ब्रॉयडरीज है। ये वाली पिंक साड़ी मेरी वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट साड़ीज है, क्योंकि ये सारी साड़ीज जॉर्जेट की है और मुझे लाइट जॉर्जेट शिफॉन साड़ीज काफी पसंद है। ये पर्ल साड़ी उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी और अभी रिसेंटली भी पर्ल बहुत ट्रेंड में है। इन सब की जो ब्लाउजेस खराब हो गए, कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस लाऊं, क्योंकि टेलर के पास जाके एक एक ब्लाउज सिलवाने की ना मेरी एनर्जी है और ना ही वो ढंग का सिल के देते हैं। 1500-1600 पड़ जाता है एक ब्लाउज, तो इससे अच्छा है मैं रेडीमेड ही खरीद लूं 1500 का ब्लाउज। कई बार साड़ी फोल्ड करते वक्त होता ये है कि नीचे से फिसल जाता है बार बार, स्पेशली अगर सिंथेटिक साड़ी हो तो, और इसलिए मैं जब भी इसे चार में फोल्ड कर लेती हूँ उसके बाद मैं बेड पे रख देती हूँ सो दैट कि इजीली फोल्ड हो जाए, और यहाँ से इस तरह से पकड़ के चारों इकट्ठा ऐसे पकड़ के फोल्ड कर लेती हूँ। सो ये फाइनली मेरी एक आखिरी साड़ी फोल्ड हो रही है। इसकी एम्ब्रॉयडरी में मैं कोशिश करती हूँ कि इसे अंदर की तरफ छुपा दूँ। पीछे गाने चला के मैं वीडियो बनाऊं लेकिन गाने से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैं एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ K2। सो फाइनली मेरी लास्ट ये चार साड़ी पैक हो गई हैं। यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर, कॉमेंट एंड लाइक। सो ये था पार्ट वन, क्योंकि पार्ट टू के लिए आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाना पड़ेगा। इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए सेक्शन टू में अलग वीडियो में दिखाऊंगी, और पार्ट टू ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें कुछ अच्छे मिंत्रा के क्वाड सेट्स, लहंगा सेट्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और नए ऑर्गेनाइजर्स मैं लाई हूँ इस सेक्शन के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम डन।